Hello friends and welcome to the exams made simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 9th of March 2020. So 9 March 2020 ke news analysis dekhenge. Before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. Those who want to get the current affairs PDF, they can also get that from the links given in the description comment section below. Hamare dusre social media platforms ki link bhi niche di hui hai, to aap humko wahan se join kar sakte hain. Let's start with the questions first. Aaj ke questions dekhte hain kaun se questions hai. First question is विजय राघवन कमिटी इज एसोसिएटेड विद. के विजय राघवन कमिटी इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड. ऑप्शंस आर ए 5G मोबाइल नेटवर्क, बी फंडिंग ऑफ एनजीओस, सी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, या डी पेटेंट लाइसेंसिंग. क्वेश्चन नंबर टू इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट कह रहा है द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान. सेकंड स्टेटमेंट सेइंग द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज नागालैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ, या नन. क्वेश्चन नंबर थ्री इज कैस्पियन सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय. कैस्पियन सी इनमें से किसको बॉर्डर नहीं करता है, कौन बॉर्डर नहीं करता है कैस्पियन सी के साथ. ऑप्शन सर ए कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी अजरबैजान, या डी तुर्कमेनिस्तान. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस आल्सो. हम क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस करेंगे. Now the first news of the day is after 15 hours of questioning, Rana Kapoor arrested by ED. तो ये Yes Bank के basically Yes Bank का जो पूरा trouble है उसके कारण ED officials ने Rana Kapoor को arrest किया है, ठीक है ना. तो आपको पता होना चाहिए ये चीज. Now let's understand about ED. ED के बारे में जानना जरूरी है ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि कल हमने Yes Bank के बारे में जाना था कि Yes Bank क्यों इतना ज़्यादा परेशान हुआ, क्यों इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों को दिक्कत आने लगी है. तो वो चीज़ आज भी आई है Yes Bank की ट्रबल्स, तो वो हम फिर से डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले हम ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जान लेते हैं. स्टैटिक पोर्शन हमारा स्ट्रांग हो जाएगा. ED का बेसिकली है इट्स अ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी. याद रखिएगा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया. तो बेसिकली इसको बनाया क्यों गया है, तो फाइट द इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया, जो इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइम्स है उनसे लड़ने के लिए बनाया गया है. इट फंक्शंस अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है. जब यह बना था तब यह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था. तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए. जब यह बना था तब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था. आज अगर आप देखो तो यह डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए. और गवर्नमेंट के दो एक्ट्स को बेसिकली इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी की है. वो पहला एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999 का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002. तो इन दो एक्ट्स को इन्फोर्स करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाती है. और टू इट ऑल्सो फंक्शंस टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग बाय कर्बिंग ब्लैक मनी एंड हवाला ट्रेड केसेस. तो ये ब्लैक मनी और हवाला ट्रेड केसेस को भी रोकता है. मनी लॉन्ड्रिंग जो हवाला के थ्रू आता है या ब्लैक मनी के थ्रू आता है, उन दोनों को भी रोकने का काम ईडी का ही है. इट इज़ कंपोज ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो IAS, IPS, IRS हर जगह से ऑफिसर्स उसमें रहते हैं, ED में रहते हैं, है ना. तो डेपुटेशन में जाते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1956 में ये बना था. तब इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट. इट वॉज नेम्ड एज इन्फोर्समेंट यूनिट एंड इट वॉज कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि फेमा एक्ट 1999 एंड PMLA एक्ट ऑफ 2002, इन दो एक्ट्स को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब ये बना था 1956 में तो इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, और इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट 1957, एक साल बाद ही कर दिया गया था. लेकिन बना था 1956 में एज इन्फोर्समेंट यूनिट, और ये तब आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत. अभी आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत, एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. आप इनको याद कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इन्हीं में से किसी में से क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के. हो सकता है कभी दो अलग अलग फैक्ट्स जोड़ करके एक क्वेश्चन बना दिया जाए. तो हर तरह से आपको तैयार रहना है. मैं देख रहा था कुछ लोगों ने, जैसे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन आया था, फिनेंस कमीशन को मिक्स कर दिया था डिलिमिटेशन कमीशन के साथ, और वो आप कंफ्यूज हो गए. फिनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 है, वो दे दिया उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन में. सेकंड स्टेटमेंट डिलिमिटेशन का सही कर दिया, आपने क्वेश्चन गलत कर दिया. तो आपको दोनों आंख
आंख कान और अपना दिमाग, ये हर चीज़ आपको खोल के रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको याद करते रहना पड़ेगा फैक्ट्स जो हमने बताए हैं, फिर आप लास्ट में तो यही बोलोगे कि सर जो पढ़ाया था वो आपका पढ़ाया था, कुछ नहीं आया, वो तो कहीं भी नज़र ना आया। ये वाला गाना सुना है ना आपने, चलता है कभी कभी, तो वैसी हालत होगी आपकी एग्ज़ाम में। पढ़ाया सब है लेकिन वही है कि आप अगर रिलेट नहीं कर पाओगे, मिला नहीं पाओगे, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। फिर बोलोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं था। अब आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ा सकते हम, फैक्ट्स पढ़ा सकते हैं, आपको उनका यूज़ करके क्वेश्चन सही करने हैं ना। सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रही है, दिस इज विक्ट्री बैश फोटोग्राफ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड 2020 जो वर्ल्ड कप था, 2020 वुमेन वर्ल्ड कप था, उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। इन द फाइनल्स डे डिफीटेड इंडिया, इंडिया को उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया में ही, एंड ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड इंडिया, दैट इज द थिंग हैपेंड। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज़ है वो काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूज़ है, जो कि आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। आंसर राइटिंग में कहाँ यूज़ करेंगे, आंसर राइटिंग में आप यूज़ करेंगे जहाँ पे भी स्कूल एजुकेशन की बात आएगी या इन सब की बात आएगी, वहाँ पर आप इस फैक्ट को डालेंगे। ओवर 40% गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट हैव पावर एंड प्ले ग्राउंड। तो 40% से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे ना ही पावर है ना ही प्ले ग्राउंड है। तो ये हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी और प्ले ग्राउंड्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एजुकेशन। तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन एजुकेशन है जिसने की रिपोर्ट सबमिट किया, उसमें कहा गया है कि हाफ ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स इन द कंट्री, लगभग आधे गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं कंट्री में जिनमें ना इलेक्ट्रिसिटी है ना ही प्ले ग्राउंड है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स दैट बजटरी एलोकेशन सॉ 27% कट फ्रॉम प्रपोजल्स मेड बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अब इनका यह कहना है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का यह कहना है कि लगभग जो बजटरी एलोकेशन हुए उसमें 27% का कट देखने को मिला है, यानी कि 27% का डिक्रीज देखने को मिला है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अगर समझ लो 100 रुपये मांगे थे, तो जो बजट है तो उन्होंने उनको 73 रुपीज़ ही दिए हैं। तो दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग, अगर 100 रुपये मांगे हैं तो 73 ही उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दिस इज द शॉर्ट फॉल इन द बजट। आप सोचो अगर हर 100 में आप 27 रुपये कम दे रहे हो, तो ओवरऑल अगर 1000 करोड़ रुपये, आगे लिखा हुआ है प्रपोजल वॉज ऑफ 82,570 करोड़, प्रपोजल कितना था 82,570 करोड़, मिला कितना 59,845 करोड़। तो अब इतना जब बजटरी एलोकेशन इनकम है, तो फिर सैलरी भी देनी है, सब कुछ देना है, फिर आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हो कि उनके यहाँ पावर भी हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो और प्लेग्राउंड्स भी हो। एंड 27% जो रिडक्शन है फॉर सेंट्रल एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एज वेल, द पैनल हैज़ रिकमेंडेड कि एडिशनल फंड्स उनको दिए जाएं एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स स्टेजेस में उनको और ज़्यादा फंडिंग ऐड की जाए, तभी स्कूल्स अच्छे से काम कर पाएंगी। ओवर 56% ऑफ द स्कूल्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, 56% स्कूलों के आसपास इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो लोएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो मध्य प्रदेश में है और मणिपुर में है, और मध्य प्रदेश मणिपुर में 20% से कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस टू पावर है। एंड 57% ऑफ द स्कूल ऐसे हैं जिनके पास प्लेग्राउंड है, मतलब कि 43% ऐसी हैं जहाँ पे नहीं है, 44% ऐसी हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 43% ऐसे हैं जहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, और 40% से ज़्यादा स्कूल्स ऐसी हैं जिनके पास ना ही इलेक्ट्रिसिटी है ना ही प्लेग्राउंड है। सो दिस इज द स्टेट ऑफ द कंट्री। आप सबको पता है प्लेग्राउंड भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, हेल्थ वेल्थ में, ये हेल्थ मेंटल, ये सारी हर तरफ से अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स के चैनल, इसीलिए स्पोर्ट्स के जो पीरियड है उनको मैंडेटरी किया गया था। ओके, ये सारी चीज़ आपको याद रखना। ये जो फोटोग्राफ्स हैं, ये वॉयलेंस हिट दिल्ली के फोटोग्राफ्स हैं, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमको डिस्कस करनी चाहिए। सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दीज न्यूज़ आइटम्स, आगे हम मूव कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओके, तो ये तो अब स्टेट वाइज पेज आ गया। यहाँ पे एक ज़रूरी न्यूज़ आई है, सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग्स मस्ट फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी सेज मिनिस्टर। तो ये मिनिस्टर का कहना है, मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर का कहना है, सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरर्स विल प्रोवाइड बायोडिग्रेडेबल बैग्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ ईच पैड फ्रॉम जनवरी 2021। ओके, तो जनवरी 2021 से क्या होगा, जो सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे विल प्रोवाइड अ बायोडिग्रेडेबल बैग फॉर द डिस्पोजल ऑफ ईच पैड फ्रॉम जनवरी 2021। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और प्रकाश जावड़ेकर एक्सप्रेस्ड द डिसअपॉइंटमेंट एट द फैक्ट दैट वाइल दिस रूल वॉज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इट वॉज नॉट बींग फॉलोड बाई द सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरर्स। तो ये रूल ऑलरेडी था लेकिन ये फॉलो नहीं किया जाता था। एंड दे ऑब्जर्व दैट वाइल द प्रोडक्शन एंड यूसेज ऑफ सैनिटरी नैपकिन एंड डायपर्स हैज ग्रेटली इंक्रीज इन द कंट्री,
they are still being discarded in ways in which it is harmful to the waste pickers. Okay, तो उसको ऐसे ही discard कर दिया जाता है. आप सबको पता है ये चीज़ कि बहुत ही गलत तरीके से discard किया जाता है, and that is not good for the health of the others. जिसे जो rag pickers आते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, waste pickers जो आते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है. And they will make it mandatory from January 2021 that all the sanitary pad manufacturers will have to compulsorily give degradable bags for the disposal of each sanitary napkin. तो हर sanitary napkin को dispose करने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल बैग प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. अरुणाचल बैन्स एंट्री ऑफ फॉरेन टूरिस्ट. तो अरुणाचल प्रदेश ने सिक्किम के बाद अब जो फॉरेन टूरिस्ट है उनकी एंट्री को एलिमिनेट कर दिया, बंद कर दिया है, टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ COVID-19. तो COVID-19 ना हो इस कारण से अरुणाचल प्रदेश ने सिक्किम के बाद, मतलब पहले सिक्किम ने किया था, अब अरुणाचल प्रदेश ने कर दिया है फॉरेनर्स की एंट्री को बंद. ओके, अब फॉरेनर्स की एंट्री अरुणाचल प्रदेश में एक कार्ड के थ्रू होती है, मतलब एक कार्ड इशू होता है उसके बाद ही होता है. इस कार्ड को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. तो PAP याद रखना, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. ILP भी याद रखना, इनर लाइन परमिट कहा जाता है, जो कि इंडियन नेशनल्स को भी दिया जाता है. इफ़ यू वांट टू ट्रैवल इन द अरुणाचल प्रदेश एरिया, आपको ILP मिलता है, इनर लाइन परमिट. ओके, फॉरेनर्स को क्या दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, हो सकता है दोनों सेम जैसी चीज़ें हों, एक जैसी कंसेप्ट दोनों का सेम है. ओके, तो याद रखना प्रोटेक्टेड एरिया परमिट याद रखना इशू किया जाता है फॉरेनर्स को घूमने के लिए. ILP के जो स्टेट्स हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, ओके, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और नागालैंड. ओके, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड आर द ILP स्टेट्स, याद रखिएगा. एंड ये जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स वाले जो स्टेट्स हैं ये आपके कौन कौन से हैं, अगर अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है, ही कैन विजिट ओनली इफ और शी हैज़ पोजेसिंग अ PAP, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट. तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है ये कौन कौन से स्टेट्स में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. तो हो सकता है ILP जैसी चीज़ ही हो, क्योंकि ILP का भी आपको पता है कि मणिपुर में होने वाला था, है ना. तो हो सकता है ये PAP भी सेम कंसेप्ट हो, बट ये स्टेट से याद रखना, PAP के, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. एंड यहाँ पे एक ट्राइब का भी जिक्र किया गया था, कोन्याक ट्राइब. कोन्याक ट्राइब जो यूनियन इन नागालैंड हैज बैंड द एंट्री ऑफ फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक टूरिस्ट इन द स्टेट्स मौन डिस्ट्रिक्ट. ओके, तो कोन्याक ट्राइब ने ऑलरेडी फॉरेनर्स की एंट्री को बंद करा हुआ है. ओके, कोन्याक ट्राइब जो याद रखेगा, इट्स अ नागा ट्राइब एंड नागालैंड की स्टेट में रहती है, ठीक है ना. PAP याद रखना, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ये कौन कौन से स्टेट्स में है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आई होप यू रिमेंबर दिस. The hunters lose interest in red panda, trap still snare endangered mammal. तो यहाँ पे basically news आई है कि iconic and endangered red panda, जिसको बोलते हैं एलेरस fulgens, ओके, तो एलेरस fulgens इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है एलेरस fulgens, ओके, याद रखेगा एलेरस fulgens, has fewer hunters because the younger generations of people across its Himalayan habitat are losing interest in the animal products. ओके, तो अब basically हो क्या रहा है कि red panda में interest hunters का थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि इसके जो products बनते थे उनमें जो younger generations आ रही हैं उनका ज़्यादा interest नहीं है. ऐसा किसका कहना है, ऐसा कहना है network of traffic, traffic का कहना है. ओके, traffic के बारे में भी हम जानेंगे क्या क्या facts हैं, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि इनका जो hunting होता था वो कम हो गया है LRS fulgens यानी कि रेड पांडा का. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. रेड पांडा इज द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द जीनस एलेरस, याद रखिएगा. रेड पांडा इज द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द जीनस एलेरस, याद रखिएगा. एलेरस जीनस का ये एकमात्र लिविंग मेंबर है. अब हमने बोला था एलेरस फल्जेंस, एलेरस फल्जेंस नाम बोला था. अब एलेरस तो अपना जीनस हो गया, तो ये फल्जेंस क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू विच आई एम आस्किंग. जैसे होमो सेपियंस है, तो होमो क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है. ओके, ओके, पैंथेरा टिग्रिस, तो पैंथेरा आपको पता है चल गया, टिग्रिस क्या है. तो ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, एलेरस आपको पता चल गया जीनस है, तो आपको बताना है फल्जेंस क्या है. द ओनली लिविंग मेंबर ऑफ द जीनस एलेरस इज रेड पांडा. ओके, एंड रेड पांडा इज डिक्लेयर्ड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज. तो IUCN की जो लिस्ट आती है थ्रेटेंड स्पीशीज की, उसमें रेड पांडा जो है वो एक रेड पांडा क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में है, याद रखेगा. इंडिया में रेड पांडा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज में आता है. दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन आफ्टर चाइना. चाइना में सबसे अधिक पाए जाते हैं, फिर इंडिया में पाए जाते हैं. अब अभी एक हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी, तब आई थिंक मैंने डिस्कस नहीं की थी, बट मैंने दिमाग में रखा था कि जब भी आपको मौका मिलेगा तो ये न्यूज बताऊंगा. तो वो न्यूज ही बताता हूँ. अभी रिसेंटली साइंटिस्ट्स हैव रिपोर्टेड अ मेजर फाइंडिंग दैट देयर आर
Chinese red pandas and Himalayan red pandas are genetically different. Now this is a very important news. एक बहुत important news आई थी अभी कि Chinese red panda जो है Himalayan red panda से genetically different होते हैं. This was the news. Okay? Chinese red panda live in the Myanmar as well as southeastern Tibet, Sichuan, Yunnan province in China, and Himalayan red pandas are native to Nepal, India, Bhutan and southern Tibet in China. तो याद रखिएगा ये basically difference पहला है कि location Tibet, Sichuan and Yunnan province of China में जो पाए जाते हैं वो चाइनीज रेड पांडा होते हैं एंड नेपाल भूटान इंडिया में जो पाए जाते हैं वो हिमालयन रेड पांडा होते हैं. द टू स्पीशीज डिफर इन कलरेशन एंड स्कल शेप. तो ये जो दो स्पीशीज हैं ये कलरेशन में भी डिफर करते हैं, स्कल शेप में भी डिफर करते हैं. हिमालयन रेड पांडा इज द रेयरर ऑफ द टू. जो रेयरर स्पीशीज है इन दोनों में से वो हिमालयन रेड पांडा है. मेजर थ्रेट जो है रेड पांडा को वो डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस, पोचिंग है. रेड पांडाज आर समटाइम्स कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स. इनको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है बिकॉज दे हैव नो क्लोज लिविंग रिलेटिव्स. इनके कोई क्लोज लिविंग रिलेटिव्स नहीं है. दे आर द ओनली लिविंग रिमेनिंग मेंबर ऑफ द मेमेलियन फैमिली. इनकी फैमिली एल्यूराइडे कहलाती है एंड जीनस इनका एलरस कहलाता है. एलराइडे इनकी फैमिली कहलाती है. एंड जो चाइनीज रेड पांडा है हिमालयन रेड पांडा से जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. जेनेटिकली डिफरेंट इनका डिफरेंस कहां पर आता है? कलरेशन में, स्कल शेप में इनका डिफरेंस आता है. मेजर थ्रेट हमने डिस्कस कर ली, इनके लोकेशंस को हमने डिस्कस कर लिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस रेड पांडा न्यूज. और जो मैंने अलग से ये फैक्ट बताया है डिफरेंस वाला चाइनीज और उसका, वो जरूर याद रखना क्योंकि अभी न्यूज में था एंड उस दिन हमने डिस्कस नहीं किया था लेकिन आज हमने डिस्कस कर लिया है. तो दैट इज अगेन कंप्लीटेड पार्ट. ओके, आगे मैं बताऊँ आपको ट्रैफिक. तो ट्रैफिक के बारे में जानते हैं. तो एग्जाम्स मेड सिंपल की जो हमारी वेबसाइट है उसमें हमने पहले जब कंटेंट हम पढ़ाते थे डायरेक्ट वेबसाइट में डाल दें तो हमने ये एक चीज़ डाली थी, सारे कन्वेंशन एंड ऑल ये सब हमने डाला हुआ है ऑलरेडी. आप इनका इस वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, इस वेबसाइट में काफ़ी कंटेंट है. तो यहाँ पर ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा. ट्रैफिक इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. इन 1976 का नेटवर्क है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क. ओके, ट्रैफिक जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN. दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आज इन UPSC. ओके, तो ट्रैफिक याद रखिएगा 1976 का है. वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ये. WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर प्लस IUCN. ओके, IUCN इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. ट्रैफिक इंटरनेशनल बेस्ड इन कैम्ब्रिज UK. ये कहाँ पे बेस्ड है? ये कैम्ब्रिज UK में बेस्ड है. इट इज़ एन NGO एंड वर्क्स इन क्लोज कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड साइट्स सेक्रेटेरिएट. एक NGO की तरह काम करता है एंड वर्क करता है साइट्स के साथ एंड गवर्नमेंट्स के साथ सेक्रेटेरिएट इन ऑर्डर टू मॉनिटर द वाइल्ड लाइफ ट्रेड. ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. WWF प्लस IUCN के साथ ये बनता है. याद रखिएगा ज्वाइंट प्रोग्राम है WWF एंड IUCN का. यही स्टेटमेंट था जो UPSC ने गलत दिया था. WWF IUCN की जगह कुछ और लिख दिया था, UNEP लिख दिया था शायद. ओके, तो यहां पे उन्होंने गलत किया था. बट याद रखिएगा WWF प्लस IUCN 1976 ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. इसका काम जो रहता है वो साइट्स जैसा ही काम करता है. ये जो काम करता है ना, ये आपको ऊपर साइट्स भी मैंने कहीं लिखा ही होगा. ये देखो साइट्स लिखा है. साइट्स इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना. तो जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है इंडेंजर्ड स्पीशीज का, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना का, उसको एडमिनिस्टर करता है. एंड साइट्स है वो एडमिनिस्टर्ड होता है थ्रू UNEP. साइट्स को जरूर UNEP यूनाइटेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के तहत मॉनिटर किया जाता है. 1975 से ये इफेक्टिव है. एंड इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. उसी तरीके से ट्रैफिक है वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है. 1976 में एक साल बाद बना था लेकिन ये WWF प्लस IUCN का है, ना कि UNEP का प्रोग्राम है. तो ये भी आपको याद रहना चाहिए. तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया. ओके, तो काफ़ी कुछ हमने इस न्यूज़ आइटम में सीखा है. अब हम आते हैं एडिटोरियल सेक्टर में. एडिटोरियल्स में जो पहला एडिटोरियल है, नो ग्रीन शूट्स ऑफ अ रिवाइवल इन साइट एज येट. अब यहाँ पे बात चल रही है जो अभी पिछले 15-20 दिन से हम बात कर रहे हैं. अभी क्या हुआ कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डाटा निकाला. उसमें डेटा में उन्होंने ये बोला कि जो सेकेंड क्वार्टर की ग्रोथ थी वो 4.5 थी, थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 4.7 है. जब ये ग्रोथ 4.5 से 4.7 पे आई क्वार्टरली, तो लोगों ने ये कहा कि जो इकोनॉमी का बुरा समय था वो खत्म हो गया है, अब इकोनॉमी का अच्छा समय आ गया है. ओके, तो ऑथर ने वही चीज बोली है. अब देखो इस आर्टिकल में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने स्टार्ट इस चीज से किया है बट केवल कंटेंट यहां और यहां दिया है. इन पेजों में जो है ये पूरी इन्होंने फालतू चीजें यहां बताई हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली एंड वो, तो यहां पर हम ध्यान नहीं देंगे. बट याद रखिएगा जो बेसिक चीज उन्होंने बोली है वो ये बोली है
कि जीडीपी का जो डेटा है वो 4.5 से 4.7 में सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में थोड़ा ग्रोथ मिली। उस ग्रोथ को देख करके गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब जो इकोनॉमी का बुरा समय था वो खत्म हो चुका है, बट ऐसा वो नहीं मानते हैं। अब ऐसा वो क्यों नहीं मानते हैं? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। इफ वी एक्सेप्ट द लेटेस्ट डेटा, इट इज क्लियर दो इन एन अलार्मिंग वे दैट देर हैज बीन अनडिनाइबल डिक्लाइन इन द जीडीपी ग्रोथ रेट ओवर द 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। मतलब कि सिर्फ एक क्वार्टर का आप क्यों देख रहे हो? अगर आप लगातार 7 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स का देखो तो हम 7.1% पे थे क्वार्टर 1 2018-19 में, लेकिन अगर हम क्वार्टर 3 ऑफ 2019-20 देखें तो हमारी जो ग्रोथ है वो 4.7 पर आ गई है। तो 7.1 से 4.7 पर हम ओवरऑल आ गए हैं। हम कोई 4.67 में नहीं थे जो हम बढ़ गए हैं, जो ऑलरेडी हम 4 की लाइन में चल रहे थे या 5 की लाइन में, हम 7 की लाइन में चल रहे थे। दूसरी चीज, अगर आप फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ प्रोडक्शन देखें, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ देखें, मैन्युफैक्चरिंग देखें, तो हर चीज में हमारे यहां कमी आई है, आउटपुट हमारा डिक्रीज हुआ है। ऑटोमोटिव की जो सेल है, जो गाड़ियां जो बिकने का नंबर है, उनमें काफी डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये सारे जो डिसेलरेशन, ये कमी देखने को मिलती है, ये शो करता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन इज अपेरेंट एंड इट हैज नॉट बॉटम्ड आउट। ओके, इट हैज नॉट बॉटम्ड आउट जैसा कि गवर्नमेंट कहता है और जैसा कि गवर्नमेंट मानना चाहता है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन था वो फेज ओवर हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। और ऑथर ने कहा है कि आप ईयरली देखो, अगर आप ईयरली देखोगे तो 16-17 में आपकी जो ग्रोथ थी 8.5% पे है, 19-20 में आपकी ग्रोथ 5% में है। तो ये दिखाता है स्लोडाउन, ना कि आप एक क्वार्टर को बेसिस बना करके आप बोल लोगे कि इकोनॉमी का जो बुरा समय था वो ओवर हो चुका है। सो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। एक और चीज़ बोला इन्होंने कि इंडियाज़ क्वार्टरली जीडीपी एस्टिमेट्स हैव लिमिटेड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इन देम। अगर आप क्वार्टरली एस्टिमेट्स को देखेंगे तो दे हैव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, देयर रिविजन्स आर लार्जली एक्सट्रापोलेशंस एंड प्रोडक्शंस ऑफ द एनुअल फिगर्स। तो आपको देखना चाहिए एनुअल फिगर्स। तो एनुअल फिगर्स हमने देखा कि 8% से हम 5% पर आ गए हैं, तो ये दिखाता है डिसेलरेशन। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक क्वार्टर्स को रीड करोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इस कारण से ऑथर का कहना है कि कुछ नहीं सुधरा है ओवरऑल। दूसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है मिसिंग एट बर्थ। ये जो आर्टिकल है ये रिलेटेड है सेक्सुअल सेलेक्टिव अबॉर्शन के रिलेटेड, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड। ओके, तो अभी कई केसेस देखने को मिल रहे हैं, आज भी ऐसे केसेस देखने में, तमिलनाडु के उसिलामम पट्टी में एक केस आया जहाँ पे सेक्स सेलेक्टिव ये आपका एबॉर्शन हुआ। अगर आपको पता चल गया कि जेंडर जो है वो फीमेल है, लड़की है, तो आपने उसको गर्भ में ही भ्रूण हत्या करवा दी, इसको बोलाता है भ्रूण हत्या, वो आपने करवा दी। सो दैट इज़ द न्यूज़ कमिंग आउट। अगर एक समय इंडिया अब ये बीच में मानने लगे थे कि यहाँ लोग समझदार हो गए, अवेयर हो गए हैं, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग द न्यू लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर्स, जेंडर के बेसिस में तो एटलीस्ट न्यू लाइफ नहीं एलिमिनेट की जाएगी। एंड कल ही वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, ये चीज़ें, बट आप आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि फीमेल चाइल्ड नहीं चाहते। आज भी घरों में अगर आपको पता चलता है कि फीमेल चाइल्ड हो रही है तो लोग खुश नहीं होते। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, है ना। अब आप भी जानते हैं गवर्नमेंट हर जगह पे महिलाओं को बिल्कुल पुरुषों के बराबर ही मानती है, आर्मी तक में अब उनको उतना ही रोल दिया जाने लगा है। सो ऐसे टाइम में, ऐसे मौके पर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, अगर पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके की बातें करेंगे, सो दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड। एंड इसीलिए अभी भी ज़रूरत है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए, अभी भी ज़रूरत है कि फिर से एक और मुहिम चलाई जाए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो मुहिम है उसको और ज़्यादा स्पीड अप किया जाए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताया जा रहा है कि अगर आप अभी देखो, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सुधर गया है, तो आप SRB का डेटा देखो। SRB यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ। ओके, सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर आप देखोगे तो ये 903 था 2007 में, 2007 में 903 था, लेकिन 2016 में 877 में आ गया। मतलब जैसे जैसे लोगों को पढ़ाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी समझ और घटती जा रही है। ओके, तो ये वाली चीज़ जो है ये होने लगी है कि जैसे जैसे पढ़ाई आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो दिमाग है वो और ज़्यादा गर्त में जाता जा रहा है। ठीक है, तो 903 से हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 877 के आसपास आ गया है। तमिलनाडु में 840 है, बिहार में 837, राजस्थान 806 और उत्तराखंड में 825। तो ये दिखाता है कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग एंड दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच ऑल्सो। लोगों में अभी भी समझ की कमी है, लोगों में अभी भी इन सब चीज़ों को समझाना पड़ेगा। अभी और ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम्स की। SRB हैज़ बिन स्टीडली ड्रॉपिंग सिंस 2011। SRB यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो 2011 से घटता जा रहा है। एंड इट्स टाइम अगेन फॉर द गवर्नमेंट टू रैम्प अप अवेयरनेस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, मॉनिटर एवरी सिंगल प्रेगनेंट वुमेन राइट नाउ, एंड पूरे हर सिंगल वुमेन जितनी भी
एवरी सिंगल प्रेग्नेंट वुमेन को आपको ट्रैक करना चाहिए एट द तालुका लेवल अंटिल एटलीस्ट वन ईयर आफ्टर द बर्थ के एक साल बाद तक आपको उनको ट्रैक करना चाहिए एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को और बढ़ाना चाहिए। डिटरेंस का काम तो कर रहा है लेकिन ट्रू चेंज तभी आएगा जब एटीट्यूड में चेंज आएगा। सिर्फ पनिशमेंट से ये चीज़ें नहीं सुधर सकती, ये चीज़ें तभी सुधर सकती जब जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपका जब बिहेवियर चेंज होगा, बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। सो दैट इज द थिंग विच इज नीडेड, दिस इज वॉट द ऑथर हैज बीन हाईलाइटिंग इन दिस आर्टिकल। सो दैट वॉज दैट द कॉस्ट ऑफ सेइंग यस। अब ये डाटा पॉइंट पे यस बैंक का इशू है जो कि हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेइंग यस, इसमें रीजंस लिखें कि क्यों यस बैंक के साथ इतनी ट्रबल हुई और बहुत सारे बैंक हैं जो कि अभी भी इस ट्रबल के आसपास हैं। पहला है लोन स्प्री। इन द लास्ट 5 ईयर्स यस बैंक वेंट ऑन लोनिंग स्प्री। इट्स टोटल एडवांसेस रोज बाय 334%। 2014 से 2019 के बीच में 334% से ज़्यादा इसके लोन एडवांसेस बढ़ गए थे। दूसरा है रीज़न है बैड लोन्स मल्टीप्लाई। मेनी बोरोवर्स स्टार्टेड डिफॉल्टिंग। द बैंक्स ग्रॉस एनपीए परसेंट दैट इज की लोन ओवरड्यूड फॉर मोर देन 90 डेज। जब एनपीए कब होता है, जब 90 दिनों से ज़्यादा वो लोन ओवरड्यू हो जाए, तो ये बढ़ गया था 7.39% पे, इतना हो गया था। तीसरा रीजन है लो प्रोविजंस। तो यस बैंक ने कोई एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग नहीं बनाई नेट प्रॉफिट और उसने अलग से पैसा नहीं बचा के रखा कि बाद में किसी को देना होगा। कॉन्फिडेंस ड्रॉप, जब ये लोन मैस होने लगा तो कॉन्फिडेंस गिरने लगा, तो क्या होने लगा कि जो डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। पुअर प्रॉफिटेबिलिटी, जब लोन फ्री में जाओगे एनपीए बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो रह नहीं जाएगी, तो वो एक रीज़न हो गया। इन्वेस्टर्स सेंस ट्रबल, इन्वेस्टर्स को पहले पता चल गया कि अब ये जो है बैंक ये खतरे की घंटी बजा रहा है और इस कारण से उन्होंने पैसा खींचना शुरू कर दिया, तो दे वर नॉट सीरियस रिगार्डिंग दैट। इन्वेस्टर्स बिकम नॉन सीरियस एंड उसके बाद इशू सारे फेस करने पड़े इनको। So that was it from the news analysis part, friends. यहाँ पे लास्ट में एक बार हम स्पोर्ट्स सेक्शन आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। ऑस्ट्रेलिया रन्स अवे विद द वर्ल्ड कप एज इंडिया क्रम्बल्स ऑन द बिग स्टेज। बट नो वरीज, अगर वुमेंस डे हमारी इंडियन वुमेन के लिए था तो ऑस्ट्रेलियन वुमेंस के लिए भी था, तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। अच्छा खेला आप लोगों ने और आप फाइनल में पहुंचे, दैट इज अनदर बिग अचीवमेंट, है ना। तो कई लोग बोल रहे थे कि वुमेंस डे का तोहफा नहीं मिल पाया, तो वुमेंस डे सिर्फ अपने देश की वुमेन को वुमेन मत समझो, हर देश की वुमेन को वुमेन समझो। अगर आपके लिए वुमेंस डे है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वुमेंस डे ही था और उनकी वुमेन टीम नहीं खेला था, उनकी कोई मेल टीम ने तो नहीं खेला था, है ना। सो दैट इज द थिंग, एक्सेप्ट द डिफीट एंड कॉन्ग्रेचुलेट द विनर, वी शुड ऑलवेज बी डूइंग दैट। लेट्स डिस्कस द आंसर्स जो क्वेश्चन मैंने पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा था के विजय राघवन कमेटी, आंसर फॉर दिस विल बी 5G मोबाइल नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था वेस्टर्न मोस्ट स्टेट राजस्थान है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट नागालैंड है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। वेस्टर्न मोस्ट आपका गुजरात है, ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कैस्पियन सी इज नॉट बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप एक बार मैप खोल लीजिए, ओके। तो मैप एक बार ओपन करके आप देख लीजिए, आपको दिखेगा कि अजरबैजान जो है वो आई थिंक इसको वेस्ट से टच करता है और कजाकिस्तान भी टच करता है, तुर्कमेनिस्तान भी टच करता है, उज्बेकिस्तान टच नहीं करता, रशिया इसके अलावा टच करता है। तो आप ये देख लीजिएगा मैप में। सो दीज वर द आंसर्स। एक बार देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने डिस्कस किया ईडी के बारे में, हमने डिस्कस किया ऑस्ट्रेलिया की विन के बारे में, हमने स्कूल्स के बारे में डिस्कस किया जहाँ पे हमने देखा कि 40% से ज़्यादा स्कूलों में ना ही प्लेग्राउंड है ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमने डिस्कस किया क्या डिस्कस किया था हमने, हाँ यहाँ पे हमने डिस्कस किया सैनिटरी पैड्स के बारे में, इशूज़ के बारे में, और इसके बाद हमने अरुणाचल प्रदेश और पीएपी के बारे में जाना, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कौन कौन से स्टेट्स में है, मणिपुर नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने जाना, एंड कोन्याक ट्राइब हमने देखी, वहाँ पे एक ट्राइब है, रेड पांडा के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी हमने, ट्रैफिक के बारे में जाना, एडिटोरियल में हमने जाना जीडीपी के बारे में, मिसिंग एट बर्थ सेक्स रेशियो एट बर्थ के बारे में हमने जाना, ओके। एंड इसके बाद हमने फिर से स्पोर्ट्स सेक्शन में जाके क्रिकेट के बारे में। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।